नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो नफरत के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बांटने, काटने और छांटने वाली ताकतों के साथ हैं। उनके सांसद अनुराग ठाकुर संसद के अंदर एक शर्मनाक बयान देते हैं जिसमें वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। भाव देखिए, अंदाजे बयां देखिए, और प्रधानमंत्री इसे एक शानदार स्पीच बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री क्या आप इस जहरीली सोच के साथ हैं? तो प्रधानमंत्री ने त्वरित जवाब दे दिया, तुरंत जवाब दे दिया कि हां, मैं अनुराग ठाकुर के वाहियात, नफरती और भड़काऊ बयान के साथ हूं। याद कीजिएगा, इसी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के चुनावों के दौरान वो नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर। उसके बाद जामिया में, शाहीन बाग में गोलियां चली थी और इस व्यक्ति को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। इसलिए हैरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या है, मगर उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात कर रहे हैं। क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए क्या यह उनके कहने पर हुआ। बहुत बड़ा सवाल यहां पर प्रियंका कर रही है कि क्या यह आपके कहने पर हुआ। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रमाण आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कॉलीग श्री अनुराग ठाकुर इज अ मस्ट हियर, अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया अलायंस। हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि मेरे युवा और ऊर्जावान सांसद अनुराग ठाकुर की एक शानदार स्पीच जिसमें उन्होंने तथ्य और व्यंग का सटीक इस्तेमाल किया। यानी कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अनुराग ठाकुर की नफरत के साथ हैं। मगर आप में से जो लोग भूल गए, जिन लोगों ने नहीं देखा कि संसद के अंदर दरअसल हुआ क्या था, मैं एक बार फिर आपको संसदीय इतिहास के सबसे शर्मनाक लम्हों में से एक वो लम्हा दिखाना चाहता हूं। इसमें आप तीन चीजें देखने वाले हैं। पहला, अनुराग ठाकुर का वो शर्मनाक बयान। उसके बाद राहुल गांधी जो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस व्यक्ति से माफी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो पिछड़ों और दलितों का मुद्दा उठाएगा उसे गालियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर अखिलेश जो आते हैं राहुल के पक्ष में, नाराजगी देखिएगा अखिलेश की। देखिए संसदीय इतिहास का ये शर्मनाक लम्हा। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं, सर माइक यहां से नहीं जाती। सर जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, प्लीज
राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, ये तय कर ली, मुझे जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली, मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। और फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर का ये बयान आता है दोस्तों, मानो कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है। उनका क्या बयान मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास कर्ण जैसा धुरंधर हो, शकुनी जैसा कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, श्री रघुनाथ रूपी जनता हमारे साथ है। सबसे पहली बात, अनुराग ठाकुर आपका इतिहास थोड़ा कमजोर है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब महाभारत हुआ था तो सत्ता में हस्तिनापुर में आसीन थे कौरव, पांडव नहीं, पांडव तो भटक रहे थे, वनवास था उनका, जी हां सत्ता में थे कौरव, कौरव झूठ और एजेंसीज का इस्तेमाल करके पांडवों पर निशाना साध रहे थे, कौरवों के पास अथाह खजाना पैसा था, कुछ याद आया अनुराग ठाकुर, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है इन एजेंसीज का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कैसे हुआ, राहुल गांधी की आपने सांसदी छीन ली थी, घर से बाहर निकाल दिया था, अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में, ईडी वाले मामले में बेल मिल चुकी है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में, अनिल देशमुख, नवाब मलिक जेल में भेजा गया, और जिन लोगों का जेल का डर था वो आपकी गोद में आके बैठ गए, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, आप खुद को पांडव बताते हैं, हकीकत यह है कि आपकी सोच आपकी नफरत बता रही है, और जिस तरह से आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं यह बतलाता है कि आपकी सोच कौरवों वाली है, जी हां कौरवों ने जीत के लिए झूठ का इस्तेमाल किया था, महाभारत में ऐसे कई लम्हे सामने उभर कर आते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अब भी आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अपने आप को पांडव बताकर, माफ कीजिएगा, पहले आपने देश के गद्दारों को गोली मारो गाली देकर नारा लगाया था, और अब आप यह शर्मनाक बयान दे रहे हैं, शर्म आपको मगर आती नहीं। मगर सबसे शॉकिंग, हमारे प्रधानमंत्री हर अनर्गल मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं, मगर साहब मजाल है असली मुद्दों पर टिप्पणी करें। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने किस तरह से तल्ख टिप्पणी की है, सुनिए सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं कि तुम कौन होते हो राहुल गांधी से उनकी जात पूछने वाले, सुनिए। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को पूरे देश को दिखाते रहते हैं, दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए, आप वही अनुराग ठाकुर हैं, आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप ओनी पोनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं, और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में, आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है, यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी-खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर जो असंवैधानिक है।
असलियत तो ये है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीरों, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, अपशब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांग रहे थे। पवन खेरा ने भी व्यंग का इस्तेमाल किया है। पवन खेरा कह रहे हैं कि आपकी बौखलाहट को समझ सकता हूं कि आपको मंत्री पद मिला नहीं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह से अपना आपा खोएं। पवन खेरा, आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, ना आप माफी मांगेंगे ना हमें आपकी माफी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। दोस्तों, कल ही की खबर है आपके स्क्रीन पर, झारखंड में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, 20 घायल। क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की? प्रधानमंत्री ने वायनाड के लैंडस्लाइड पर टिप्पणी जरूर की है। क्यों? क्योंकि वहां पर वामपंथियों का राज है, वहां पर पिनरई विजयन की सरकार है। मगर कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, याद कीजिएगा दोस्तों, हाथरस में 121 लोग भगदड़ में मारे जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कोई टिप्पणी की थी? सदन में जाकर जब विपक्ष का दबाव था तब जाकर आपने अपना मुंह खोला था, मगर जब यह घटना हुई थी तब आपने कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में देखिए कितने रेल हादसे हुए हैं, छोटे बड़े रेल हादसे। बालासोर का रेल हादसा याद है, 300 लोग मारे गए थे। और ये देखिए कितने रेल हादसे पिछले 10-12 दिनों में हो गए। क्या प्रधानमंत्री इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? अपने ही मंत्री को कटघरे में रखेंगे? आप अनुराग ठाकुर के जहरीले नफरती बयान पर बात करते हैं, मगर साहब मजाल है इस मुद्दे पर आप कोई बात करें? क्यों, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चीन की हिमाकत बढ़ रही है, मगर प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले कहते थे चीन को लाल आंख दिखाओ मित्रों, वो खामोश बने हुए इस खबर में। एनडीटीवी की खबर देखिए, आपके परम मित्र गौतम अडानी के न्यूज चैनल की खबर है, पैंगोंग सो झील के पास चीन ने बनाया पुल। क्या यह आक्रमणकारी सोच नहीं है? क्या यह अग्रेशन नहीं है? प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है? उनका विदेश मंत्रालय चुप क्यों है? बयान तक नहीं दे रहा है साहब। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लद्दाख की पैंगोंग सो झील पर चीन ने अपना 400 मीटर लंबा पुल बना लिया है, इससे खतरा बढ़ गया है। इस पुल के जरिए चीन अपने टैंक व सेना को कम समय में और आसानी से ले जा सकेगा। इसकी फोटोज सबसे पहले एनडीटीवी ने जारी की थी, अब एनडीटीवी के पास मौजूद नई तस्वीरों से पता चला है कि पुल को ब्लैक टॉप कर दिया गया है, उस पर हल्के मोटर वाहन चलते दिखाई दे रहे हैं, और बाकायदा दोस्तों
ये तस्वीर दिखाई गई है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर। क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की? प्रधानमंत्री लगातार जो कांवड़िए हिंसा कर रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए एक स्कूल बस पर पत्थरबाजी की गई है, प्रधानमंत्री इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। किस पर टिप्पणी करते हैं? अनुराग ठाकुर के जहरीले बयान पर। हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर दिल्ली पुलिस घसीटती है, प्रधानमंत्री उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्यों आप असली मुद्दों से भागते हैं और क्यों आप नफरत को बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ एक पत्रकार का सवाल नहीं है आपसे, यह इस देश के नागरिक का सवाल है। यह एक ऐसे नागरिक का सवाल है जिसे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है। उन्हें जिस तरह से नफरत से सराबोर किया जा रहा है प्राइम टाइम के जहर के जरिए, भाजपा के प्रचार तंत्र के जहर के जरिए, उसको लेकर मुझे चिंता है। क्यों प्रधानमंत्री आप खामोश रहते हैं? क्यों अनुराग ठाकुर को आप बढ़ावा देते हैं? बना दीजिए इनको मंत्री, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा इस बयान के बाद अनुराग ठाकुर को मंत्री भी बना दिया जाएगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, बहुत शॉकिंग है दोस्तों। राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए आप तमाम मर्यादाओं को पार कर रहे हैं, बहुत ही शॉकिंग है। मगर वो इनकी एक नई सांसद आई हैं, कंगना रनौत, उनकी एक फिल्म थी तनु वर्ड्स मनु, उसमें कौन सा डायलॉग था वो? अभी तो हमें और जलील होना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।